देख सकते हैं पीछे छोटा सा बच्चा। भैया रुको। हेलो दोस्तों, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, राम राम पहलाग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे और बिल्कुल स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। और सुबह के बज चुके हैं लगभग 8:30। बहुत गर्मी है भाई साहब, बहुत गर्मी। तो अभी हम आ चुके हैं रोड पर, क्योंकि हमें लेने हैं अचार के आम। और अचार के आम बेचने वाले आए हैं, अभी आवाज़ लगा रहे थे, शायद नीचे को गए हैं। तो अभी जैसे ही ऊपर को आते हैं तब देखते हैं क्या रेट दे रहे हैं, कैसे आम लेके आए हैं। वो भी आ चुका है घर से। ले कल्ली, ले इधर आ, ले रांची, इसको बांध दे, ऐसे घूमते रहेगा नहीं तो। आजा, कुत्ते काटेंगे इसको बड़े वाले फिर। आजा ले। हाँ देख सकते हैं ये छोटा सा बच्चा कितने प्यार से झूला झूल रहा है, मज़ा आ रहा है। अगर अगर चला गया सीधे खेत में फिर है तो। कभी हम भी झूला करते थे ऐसे ही, कभी पता है हम भी झूलते थे ऐसे ही, पता है? है पता है किसने बताया? है अच्छा, देख सकते हैं पीछे छोटा सा बच्चा, ये हमारे पड़ोस का बच्चा है, कितने प्यार से झूल रहा है। कभी हम भी झूला करते थे ऐसी। अगर आपने भी कभी ऐसे झूला झूला है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं किस किस ने इस तरह से झूला झूला है। बहुत मज़ा आता था ऐसे झूला झूलने में। तो इन बच्चों को देख के अपना भी बचपन याद आ जाता है। भैया रुको, आम लेके आओ क्या अचार वाले? क्या रेट दे रहे हो? 20 रुपये। बहुत महंगे दे रहे हो यार। दादा 30 से नीचे नहीं मिलेगा अचार, हम तो 30 से नीचे नहीं दे रहे। अरे तुम ही हो, ये कौन है भैया? हमारे पापा हैं। पापा इतने जवान? अरे यार दिखा तो, कहाँ है आम? आम उधर ये है। हाँ। बहुत छोटे छोटे। नींबू क्या रेट दे रहे हो? हाँ नींबू, नींबू 20 रुपये पाओ। प्रियांशो मम्मी से बोल के आम लेने 20 रुपये किलो दे रहे हैं। ये लो, ऐसे लो तुम। हाँ थोड़ा ठीक ठाक देना, मम्मी तोल दो तोल दो। और ये कैसे नारियल कैसे दे रहे हो? नारियल दादा 70 का। बहुत महंगा दे रहे हो यार। चार ही बचा हुआ है, 2 कट्टा बेच दिया, 1 कट्टा तो आज ही बेचा। तो चार बचा हुआ है, थोड़ा सस्ता दो ना। अरे तो सस्ता आया नहीं, 5 रुपये एक एक नारियल में बचेगा। 50-50 रुपये में दे रहे थे यार, परसों उधरपुर में काट के वो भी पाइप डाल के। नहीं वो छोटा वाला फीस होता है ना, 40 वाला फीस वहाँ से मिलता है, वही फीस। पानी वानी है इनमें? खूब पानी फुल होगा। तो आजकल तुम कम आ रहे हो इधर को? बीच में कुछ दिन खाली फ्रूट का काम किया ना। अच्छा फ्रूट का काम करा था। तो फल फ्रूट वाक किया तो इधर नहीं खाते क्या फल फ्रूट? ना जैसे उधर से बेचते बेचते आते थे ना घर तक। अच्छा आते खत्म कर, खत्म हो जाता होगा। ठीक ठीक ठीक। और मेरे ख्याल से तो रेट घटेगा नहीं। अरे रेट घटेगा एक आधी आ जाए, रेट 10 रुपये में आ जाएगा। नहीं आम आम ही नहीं है इस बार, आम भी कम लगा है ना। आम नहीं है। अरे हमारे क्या कहीं भी नहीं है, देख रहे हो? नैनसिंह मास्टर को जानते हो? हाँ हाँ हाँ। नैनसिंह मास्टर का बगीचे कितना बड़ा है, पल्ले वाले में थोड़ा सा आम आया। अच्छा। इधर मंदिर वाले में बिल्कुल आम नहीं है इस बार, आम में बोर कम आया है। पल्ले वाले छोटे पेड़ है ना उसमें बड़ा आया। अरे किसी किसी साल बहुत बोर आता है, 2-3 रुपये किलो रहता है। दादा ये तो सही लगाओ यार, 2 ले लेंगे। 60 का ये तो, ये तो पानी है नहीं है, बोल भी नहीं रहा। पानी फुल है, बोलता नहीं है। जो थोड़ा बोलेगा ना उसमें क्या है, उसमें दही जैसा बन गया है। अच्छा किनारे किनारे नारियल आ रहा है, देख लो। पानी भरा होगा दादा, पानी का फिक्र मत करो। इसमें दही खाली, इसमें हल्का नारियल आ गया है। अच्छा और एक और दे दो, ये भी नहीं हिल रहा। अगर हल्का नारियल खाना है तो इसको लो, है चम्मच से खाना। नहीं थोड़ा ठोस वाला चाहिए, पानी होना चाहिए हमें। पानी फुल है। हाँ चाची ले लो ले लो। अच्छा सही डाला है तुमने, गर्मी हो रही बहुत। अरे बहुत दिक्कत हो रहा था, सब सूख जा रहा था। हाँ 2-4 दिन से तो बहुत ही खतरनाक गर्मी हो रही है। कुछ नहीं है, चल आजा बुला। ले लिए हैं हमने आम, कुछ कच्चे आम लिए अचार के लिए, क्योंकि इस बार तो गाँव में भी कहीं बोर नहीं आया है, सारे आम के पेड़ खाली हैं। और 2 लिए नारियल, क्योंकि इस समय नारियल पानी बहुत ही बेस्ट है। थोड़ा महंगे ज़रूर हैं लेकिन बहुत बढ़िया होता है इसका पानी सेहत के लिए। हाँ हाँ पंखे पे तो बड़ा आराम मिल रहा है, रुक जा। तो अभी हम अंदर आ चुके हैं और अब हम पियेंगे नारियल पानी, क्योंकि गर्मी से बेहाल हो चुके हैं।
दो नारियल लिए जो अभी हमने, देखते हैं काट कर उनके अंदर भी पानी है नहीं है। यहाँ वो भी गोली दे गया, पानी हो गया इनमें, बज रहा है? वो तो कह रहा था फुल है, नहीं बज रहा है? चल देखते हैं काट कर। अन्ना भाई वो तो काटते भी बड़े अच्छे तरह हैं यार, हमसे तो कटेगा भी नहीं। पता लग रहा पूरा पानी गिर गया। वो लोग तो खच खच काटते, हथियार भी उनके पास बढ़िया होते हैं ना, हमसे तो ये कट भी नहीं रहा। काटते तो यहीं पर से हैं वो। एक तो निकला छिक्कल, देखें आ गया, पानी तो है इसमें। अब हिलने लग गया, पानी फुल भरा हुआ है इसलिए नहीं हिल रहा था। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं मुझसे तो कट भी नहीं रहा है, क्योंकि इसका भी काटने का तरीका होता है और उसके लिए उनके पास औजार भी बहुत बढ़िया होते हैं। जो नारियल रखे रहते हैं वो तो सट सट ऐसे मारते हैं, दो चोट में काट देते हैं। मुझे तो 5 मिनट लग गए फिर भी पानी ठीक से निकल नहीं रहा है, और हाथ में लगने का और खतरा लग रहा है। थोड़ा पानी तो निकला, वो भी जा। पानी तो है, पानी निकाल के पी लिया है हम लोगों ने, ज़्यादा पानी तो निकला नहीं, एक गिलास पानी निकला बस। मैं तो सोच रहा था पता नहीं कितना पानी निकलेगा, लेकिन एक गिलास पानी निकला। लेकिन इस समय बहुत बढ़िया है सेहत के लिए नारियल पानी, तो इसीलिए मैंने भी ले लिया था। तो काटने में थोड़ा दिक्कत होती है घर में, तो फिलहाल तो हमने पी लिया है एक, अभी बचा हुआ है इसको अब पियेंगे बाद में। नारियल पानी पी लिया है, अब चलते हैं कुट्टी काटने, अभी तो छाया है वहाँ पर। तो दोस्तों अब हम काटते हैं कुट्टी और आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। मिलते हैं एक और नए ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और स्वस्थ रहिए। बाय बाय।